मगर सर ये तो सारी हेरिड आप देखें कि मौरूसी सियासत पे यकीन करती है ना, ये तो इनका एक एक मिजाज ही और है। आप तो दावेदार है जमहूरियत के, गो के मैं बिल्कुल हूं। खैर देखें, जब क्यादत एक हमारी सीईसी हो या कोर कमेटी हो, जब 20 दिन दिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने, हमें 20 दिन दिए कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, 20 दिन के अंदर हमने यही किया। और जब कोर कमेटी एक फैसला करती है या चेयरमैन, मैं आपसे एक सवाल करूं सरदार लतीफ खोसा साहब, अगर आप इजाजत दें, ये आप सिर्फ 20 दिनों को हाईलाइट कर रहे हैं जबकि आपका आखिरी इलेक्शन 2017 में हुआ था। आपका अपना आईन कहता है हर 4 साल बाद आपके इलेक्शन होने हैं, तो बार बार ये कहा जा रहा था, इतने हसास मौके पर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बेदखल हो गए, हुकूमत जाती रही मगर इंतखाबात नहीं कराए। आप लोग एएनपी का भी हवाला बार बार देते हैं, एएनपी का तो अभी वक्त बाकी है। आपको चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी बताया कि ये गलत मुआवजना है, उनका तो वक्त अभी बाकी है, आप लोगों का तो वक्त 1.5 साल 2 साल ऊपर हो चुका है देन द टाइम दैट यू वर सपोज टू होल्ड इट। आई मीन नो वे सेइंग कि ये दुरुस्त है गलत है, बट ओइंग टू वट एवर योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन सेज। एक सेकंड, क्या आपकी सबसर्वियंट लेजिस्लेशन या आपकी पार्टी का आईन वो आईन पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएगा? आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 या पॉलिटिकल पार्टी का कोई आईन वो आईन पाकिस्तान से सबकत ले जाएगा, ऊपर हो जाएगा? सर ये क्यों नहीं होगा? उठाया आप लोगों ने तो आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 17 में हर शख्स को एसोसिएशन बनाने का, और देखें कोई डिसबैंड पार्टी को नहीं कर सकता, ये तो डिसबैंड किया गया है, हमें पार्लियामानी सियासत से बाहर किया गया है। और वो आर्टिकल 17 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट की रेफरेंस के जरिए किया जा सकता है। आपने जो बदकिस्मती से हवाले दिए हैं, चाहे वो 1954 का दिया है, चाहे 1963 का दिया है, चाहे आपने जो है नैप का दिया है, चाहे आपने जिनके भी दिए हैं नेशनल पार्टी के दिए हैं या उसका वो अवामी लीग का दिया है, देखें माफ कीजिएगा, उनका कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है। तो क्या उसका सिंबल लेकर आप 25 करोड़ आवाम को डिसफ्रेंचाइज कर सकते हैं? सर मैं तो ये भी मैंने कहा 14 जमातों का जो मिसालें दी इलेक्शन कमीशन ने, वन मैन पार्टी, माफ कीजिएगा, कोई सहीफा आसमानी नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सहीफा आसमानी नहीं है, इसको जरा आईन पर की कसवटी पर परखें, तो अपील करेंगे कसवटी पर, ये आईन की तजहीक है, अपील करेंगे, रिव्यू में जाना चाहेंगे। और मैंने ये कहा है ये जमहूरियत को दफन करने के मुतरादिफ है, ये जो है रिव्यू में जाना चाहेंगे, को सल्व करने के मुतरादिफ है। और मैंने कहा है नस्लें इसका नतीजा भुगतेंगी इस फैसले का। सो सुप्रीम कोर्ट को खुदारा जो है ये सोचना चाहिए, रिव्यू में जाना अगर ये कर देते, एक सेकंड, अगर ये कर देते कि आपके इलेक्शंस में प्रोसीजरल देखें सब्सटैंशियल नहीं प्रोसीजरल खामियां हैं, ये हम इसलिए कि इलेक्शन आमद आमद है, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में आपका ये डिस्टर्ब हो, जितना भी ये 25 करोड़ आवाम है या आपके 2.5 करोड़ या जितने भी वोटर्स हैं, हम चाहते हैं कि आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, लेकिन आप 3 महीने 4 महीने के अंदर आप इलेक्शन अपना इंट्रा पार्टी करवाने के पाबंद होंगे और करवाएंगे, और ये नतीजे जो होंगे उस पर उनका इन्हासार होगा। तो इसमें कौन सी कबाहत थी मुझे बताएं, या कौन सी रुकावट थी, या कौन सा कानून? मैं आपसे जानना चाह रही हूं, ड्रास्टिक स्टेप, क्या आप अपील में रिव्यू में जाएंगे? अब रिव्यू में भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, हम जाएंगे, हम फिर भी देखें, हम यकीनन हर अदालती जो है तरीका आजमाएंगे, लेकिन उसका इस इलेक्शन पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम रिव्यू में चले भी जाएं। ये एक चीज बहर मैं आपको बता दूं, लोगों के गम और गुस्से में इजाफा हुआ है, इमरान खान के वोट बैंक इसका स्काई रॉकेटिंग चला गया है इस फैसले से भी और इनकी इन हरकतों से भी। हम जितने भी जो है इंडिपेंडेंट निशानों पर लड़ेंगे, वो खान का जो जिस पर मोहर होगी वो आप देखेंगे कि लोग किस तरह से मालिहाना तौर पर आगे की बात करना चाह रहे हैं और उनको आगे के असरात की बात 25 दिन रह गए हैं।